हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट टू गुड के बारे में। फ्लिपकार्ट टू गुड से प्रोडक्ट मंगवाए हुए मैंने लगभग एक महीना तो हो गया। अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस तो जरूर शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आप फ्लिपकार्ट टू गुड के बारे में सोच रहे यार इस पर से कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए, कोई चीज ले ली जाए, पैसे का सवाल है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। आपको लगभग सब क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट कर सकते हो। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि लगभग मैंने एक महीने पहले ही फ्लिपकार्ट टू गुड से ये प्रोडक्ट मंगवाया था। ये Realme का हेडफोन है जिसकी नॉर्मल प्राइस कुछ 1600-1700 रहती है और मैंने कुछ 1200 के आसपास इसे ऑर्डर किया। मतलब मुझे लगभग लगभग ऑन द स्पॉट 600-700 का फायदा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बॉक्स रिसीव होता है फ्लिपकार्ट टू गुड, सिर्फ यहाँ पे टेप लगाया है। हम बॉक्स के अंदर चलते हैं। मैं मेरा फोन निकाल लेता हूँ, मैं इससे रिकॉर्डिंग करूंगा अब। ओके, तो आपको यहाँ पे टू गुड का एक टेप मिलेगा। अंदर जाते हैं। ओके, तो नॉर्मल हेडफोन्स की भी पैकेजिंग ऐसे ही रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स में। और आपको बिल मिलता है और बाकी कुछ चीजें नहीं। ओके, ओके, तो ये है। ये मतलब नॉर्मल पैकेजिंग भी ऐसी लगी थी लगभग सारे हेडफोन्स की। ये सिर्फ एक लगभग एक महीने से ये बॉक्स मेरे घर पे पड़ा है, तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब है, बट इतनी भी खराब नहीं है। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो टू गुड की टेप आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पहले से फटा था। मैंने लगभग मेरे सारे प्रोडक्ट के बॉक्स एकदम अच्छे संभाल के रखे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरे कई प्रोडक्ट खराब भी हो गए फिर भी अपने पास उसके बॉक्स है, बट ये बॉक्स पहले से फटा था। यहाँ पे कुछ दाग धब्बे है और बस मतलब हमें कुछ इस बॉक्स से तो लेना देना नहीं है, हमें प्रोडक्ट से लेना देना है। अंदर चलते हैं। बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि ये बॉक्स ऐसा खुलता है, बट यहाँ पे सील थी, कोई मतलब टेंशन नहीं था, सील थी वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये बॉक्स खुलता है। सॉरी मैंने इसे यूज़ कर लिया है, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ। ओके, इसको भी हम बाजू में रख देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडफोन्स रखे हुए मिल जाते हैं। ओके, अब हेडफोन्स के बारे में थोड़ी सी बात। सॉरी, वारंटी कार्ड, 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है सेलर वालों की। ओके, कोई बात नहीं। ओके, आते हेडफोन्स पर। हमें इस टू गुड के हमें इस टू गुड में एक ऑप्शन मिलता है 10 डेज रिप्लेसमेंट। ओके, मतलब 10 दिन में हम इसे रिप्लेस या रिफंड भी हम कर सकते हैं। मतलब 10 दिन आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए या आप कोई प्रोडक्ट खरीद ले तो निचोड़ लीजिए उसे एकदम, जितना आप हार्ड यूज कर सकेंगे उतना कर लीजिए। ओके, तो ये है हेडफोन। इसमें एक चीज है। ओके, वेट 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 वेट, और इसमें हमें और एक चीज मिलती है, ये जिसमें अंदर हमें एक्स्ट्रा एयर टिप्स। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ हेडफोन्स के बारे में। ओके, तो ये मैंने खरीदा 1200 रुपए में। आपको पता है नॉर्मल प्राइस सेल में हो जाती है 1500 और नॉर्मली 1800 रहती ही रहती है। इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला 10 दिन के यूजेस के बाद। काफी हेवी यूज है। मैंने पहले मीवी के हेडफोन्स पर वीडियो बनाया है और वो खराब हो गए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। चांस लिया बट एकदम सक्सेसफुल। अगर इस हेडफोन्स की बात करूं तो यहां पर मेरे कोई भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आउट ऑफ बॉक्स नया है। मतलब 1200 रुपए में एकदम नया मिल रहा है। अब हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने और एक दो प्रोडक्ट भी मंगवाए थे और ये हेडफोन्स इसे बाजू में रख देते। ओके, तो इस हेडफोन्स के बाद पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस हेडफोन्स के बारे में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, नो टेंशन। ओके, अब एक्सपीरियंस की बात। 6-7 दिन में डिलीवरी हो जाती है, 10 दिन की रिप्लेसमेंट है, बेफिक्र रहो। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, आपको पता है कि फ्लिपकार्ट एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कोई टेंशन आने ही नहीं देता। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट टू गुड से खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात, आप सेलर को चेक कीजिए। नंबर दूसरी वाली बात, आप उस प्रोडक्ट के इस पर लगभग 100 से ज्यादा रिव्यू थे,
तो आप रिव्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टू गुड वाले भी अपनी जो प्रोसेसिंग होती है वो करते नहीं, आपको प्रोडक्ट यूज आ जाते हैं, मतलब इसमें मेल बिल फंसा होता है, मतलब ये सारी बातें होती है नॉर्मल। और आप ऐसी चीजें खरीदी भी मत जो आपको लगता है कि खराब आ जाएगी, जैसे फोन होते हैं पुराने फोन, 2015 का फोन है और हम उसे खरीद रहे 2020 में, तो खराब आने के चांसेस ज्यादा है। बट बहुत पुराने प्रोडक्ट मत खरीदिए, क्योंकि बहुत पुराने प्रोडक्ट पुराने हो जाते हैं, उसकी लाइफ एक्चुअली बढ़ जाती है और वो खराब आने के चांसेस बहुत है। बट कोई हेडफोन है, कोई फोन है, वो 10 दिन पहले रिलीज हो गया और आपको वहां पे ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो ले लो यार, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका बैटरी बैकअप एकदम मस्त, साउंड क्वालिटी एकदम ओरिजिनल हेडफोन के बराबर। आपको इस हेडफोन में मुझे लगता है कि आप भी अगर आप सेम यही हेडफोन खरीदने वाले हैं तो खरीद लीजिए यार, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बेस्ट। अगर आपके पीस में कोई फॉल्ट आ भी जाए तो आप रिप्लेस कर दो ना यार। तो यही थी बात पूरी इस टू गुड के बारे में। इस पर मैं एक अलग से रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की जाएगी, कुछ बुरी चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो यही थी पूरी बात इस फ्लिपकार्ट टू गुड के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को और वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।